मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मंगलवार को आनंद नगर स्थित कपास मंडी में 165 जोड़े परिणय सूत्र में बंध है। परिजनों के साथ सांसद, कलेक्टर, नगरपालिका अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधियों ने नव युगलों को सुखी दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ऑनलाइन जुड़े और वर वधु को सुखी, स्वस्थ और खुशहाल रहने का आशीर्वाद दिया। पूर्व कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने बताया, आज बेहद खुशी का दिन है। समूचे जिले से वर वधु इस सामूहिक विवाह में शामिल हुए हैं। उन्हें आशीर्वाद के साथ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 49,000 रुपए का चेक सहित पर्यावरण बचाव का संदेश देते हुए पौधे भी अतिथियों ने भेंट किए। आयोजन को लेकर सुबह से ही मंडी परिसर में चहल पहल शुरू हो गई थी। सुबह 9 बजे बाराती और घराती आना शुरू हो गए। गाजे बाजे के साथ गायत्री परिवारजनों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शादी की रस्म पूरी कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। गायत्री परिवार का सभी आचार्यगण, भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम में जो नव दंपति परिणय सूत्र में बंधे हैं, उनको सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आनंद में रहे, खुश रहे। भाइयों, ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ऐसी अनूठी योजना है, किसने हर परिवार के मुखिया के बोझ को हल्का कर दिया। एक दौर था जब परिवार का मुखिया इसी चिंतन में लगा रहता था कि मुझे मेरे बेटी बेटी का विवाह करना है। एक बेटे का, एक बेटी का विवाह करता था, दूसरा आ जाता था। वो लगभग 3-4 बेटा बेटी होते थे तो इसी में उसका जीवन चल जाता था और अंत में वो सोचता था, मतलब जीवन की सफलता सिर्फ इसी में है। उस समय का समाज ढूंढता था कि उसने अपने बेटी बेटी का विवाह करा दिया। लेकिन आज वो बोझ जो परिवार के मुखिया था, वो बोझ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने ले लिया और इस योजना के माध्यम से लाखों बहनों के विवाह कराए जा रहे हैं, कन्याओं के विवाह कराए जा रहे हैं और वो परिवार का बोझ उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। जिले के 166 जोड़े का कन्या विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत हुआ है और इस अवसर पर यहाँ सब हमने परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना की है कि जो जोड़े आज परमा सूत्र में बंधे हैं, ये सब कुछ प्रसन्न हो, जीवन में प्रगति करें और इसलिए ये सब लोग आज बहुत खुश है और आनंद का है। मुख्यमंत्री जी ने भी आशीर्वाद दिया इसलिए और इस आयोजन को उन्होंने और अच्छा बना दिया। ये ऐसी अद्भुत योजना है, इसके कारण गरीब वर्ग का एक बहुत बड़ा संबल मिल रहा है। परिवार के मुखिया की जो जिम्मेवारी होती थी, वो प्रदेश का मुखिया उस जिम्मेवारी को वहन करके और परिवार के मुखिया का बोझ हल्का कर इस कन्यादान योजना के, इसलिए जनता और सब जिनका विवाह होता है वो बड़े प्रसन्न है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।